और कि 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने खोली है वीडियो, वो लोग सोए खाने से कहीं ना कहीं डरते हैं एंड दे वांट टू गेट इट क्लियर्ड। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सोए इज बैड। वाओ, काम खत्म। सोए नहीं खा सकते, भाड़ में जाओ। ब्रेड इज बैड, मिल्क इज बैड, मसाज इज बैड, शुगर इज बैड, वे प्रोटीन इज बैड। तो फिर अच्छा क्या है? मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं अभी एंड आई होप DIY के बाद, जो कि पीछे आपको दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो कि ऐसा कंटेंट बनाए जो कि एक्चुअली में हेल्पफुल हो। सो एक कंटेंट होता है टाइप पर्पसलेस इन्फॉर्मेशन। दिस इज अ कंटेंट टाइप। इसका मतलब क्या है? पर्पसलेस इन्फॉर्मेशन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं, कोई फायदा नहीं है बताने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट लिविंग इन दिल्ली इज बैड फॉर यू, you will live lesser than the people living in Hyderabad because of air quality. क्या purpose है इसका? घर तुम्हारा दिल्ली में है, तुम रह सकते नहीं कहीं और, तुम्हें दिल्ली में ही रहना है। तो मैं अगर तुम्हें डराऊं, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम एयर पोल्यूशन में रह रहे हो, इंडिया छोड़ के बाहर चले जाओ, यहाँ पे ज्यादा जल्दी मरोगे, क्या पर्पस है उस इन्फॉर्मेशन का? कोई पर्पस है? कुछ सॉल्व हुआ उससे? हाँ, उस केस में मैं कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है जहां पे सिर्फ इंटेंट ये हो कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी एजुकेटेड। पर जहां पे वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाए डॉगमेटिक स्टेटमेंट में, that you shouldn't consume it, you shouldn't consume soy, you shouldn't consume sugar, milk is bad, bread is bad, this is bad, that is bad, having processed food is bad, or sleeping less is bad, or having coffee is bad, तो वहाँ पे problem emerge होना शुरू होती है उस बंदे के दिमाग में जो वो content piece देख रहा है। अगर तुम्हारा intent किसी को हराने का होगा, you won't be able to help anybody, तुम आतंकवादी से कम नहीं हो फिर। So let's just quickly come to the point, is soy that bad? सोय के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके अदर मिनरल्स, विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अब्सॉर्प्शन को हिंडर कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो तो लेग्यूम्स में भी होते हैं, वो तो कैबेज में भी होते हैं, वो तो हर एक उस चीज में होते हैं जो आपका गट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो हर एक प्लांट बेस्ड फूड आइटम में किसी ना किसी टाइप का एंटी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। उसका मतलब ये है कि हम वेजिटेरियन फूड खाने ही छोड़ दें? नहीं, यू नीड टू कुक इट, बॉइल इट और फर्मेंट इट इन अ सर्टेन मैनर, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। देयर आर सर्टेन एंटी न्यूट्रिएंट्स जिनके हार्मफुल इफेक्ट्स इतने कम है कि वो आउटवे नहीं कर पाते उसके बेनिफिट्स को। लेक्टिन्स, ऑक्सलेट्स, गोइट्रोजेंस, फाइटेट्स, टैनिंस, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंटी न्यूट्रिएंट, एंटी न्यूट्रिएंट, एंटी न्यूट्रिएंट। राजमा खाते हो भाई तुम, फोडमैप खाते हो, इफ एट ऑल यू आर इनटॉलरेंट टू समथिंग, दैट थिंग इज बैड फॉर यू। नाउ अब मैं आपको डोसेज की बात बताता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कहो कि भाई इतने ग्राम तक तुम्हारे लिए सोयाबीन सेफ है, तो ये एक बेकार स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको तो मैं रिलेट करूंगा इस एग्जाम्पल से कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक सुट्टा फूको या दो सुट्टे फूको, तो इसका मतलब तो तुम ये कह रहे हो कि सुट्टा बुरा ही नहीं है। एक सुट्टा फूको तो कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब सुट्टा बुरा ही नहीं है। और अगर तुम 10 सुट्टे फूको और तुम्हारे लंग सड़ जाएं, तो सुट्टा बुरा है। पॉइंट समझने की कोशिश करो। यहां पर अगर एक लंग कैंसर का मरीज है और वो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का मरीज बना है, तो वो एकदम से स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। सो वी नीड टू प्रेस्क्राइब हिम अ मॉडरेट डोसेज सो दैट वी कैन प्रोग्रेसिवली वर्क फ्रॉम देयर और हम उसको स्मोकिंग छुड़वा पाए। उस केस में अगर बंदा दिन की 15 सिगरेट फूकता है, और अगर एज अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर इफ आई टेल दैट पर्सन कि यार आज से तू 5 सिगरेट फूकेगा अगले 3 हफ्ते तक, एंड सडनली ही टेल्स समबडी एल्स कि मैं तो 5 सिगरेट फूकता हूं और मैं लंग कैंसर का मरीज हूं, तो ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन है जिसको बतंगड़ बना के यूज किया जा सकता है कि स्मोकिंग इज बैड। ओवर हेयर ही स्मोकिंग इन मॉडरेशन, दैट इज वर्किंग फॉर हिम, लंग कैंसर उसका इंप्रूव हो रहा है। सेम इज विद IBS का मरीज। अब मैं IBS का मरीज होते हुए आपको ये बता देता हूं कि बहुत सारे IBS के डिफरेंट केसेस होते हैं। किसी को फॉडमैप इंटॉलरेंसी होती है, किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, किसी को सब कुछ ही होता है। एंड मेरे केस में मुझे लैक्टोस इंटॉलरेंस पहले था, जिसको मैंने ठीक कर लिया बिकॉज ऑफ दिस डोसेज कॉन्सेप्ट। मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट था, मतलब कि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उस केस में मैंने उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, एंड देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग द डोज ग्रेजुअली, एंड टुडे आई एम नॉट at all lactose intolerant. I can have a liter of milk and still not get into any trouble. But I am FODMAP intolerant. तो अभी मैं, अगर मुझे पता है कि अगर मैं 50 से 60 ग्राम गोभी से ज्यादा खा लूं या फिर मैं 100 ग्राम आलू से ज्यादा खा लूं, तो मैं ब्लोट हो जाऊंगा। उसका मतलब क्या है? आलू इज बैड, ब्राउन राइस इज बैड, ब्राउन राइस में भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? सी, I want you to understand this concept कि ये जो dosage वाला system है, जो कि बहुत सारे लोग neglect कर देते हैं आजकल, and they're like कि तुम्हारे लिए inherently ही दारू, सुट्टा, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, yes, I am taking everything into account together, चाहे वो खाने की चीजें ना भी हो, because
मॉडरेशन इज द की गाइस. अगर तुम्हें पता है अपनी मॉडरेट रेंज कि यहां के बाद मेरी तबियत खराब होनी शुरू होती है, दैट इज सेफ फॉर यू. एंड अगर कोई भड़वा, यस आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड, अगर कोई भड़वा तुम्हें रिसर्च पेपर्स यूज करके, चेरी पिक करके स्टडीज ये दिखा देता है कि ये देखो इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, एंड डीप डाउन यू नो दैट आई कैन डाइजेस्ट दैट फूड आइटम और उसने मुझे कभी ट्रबल नहीं दिया, और तुम उसकी बात सुनकर वो खाना छोड़ दो, तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन लिसन टू योर बॉडी बेटर देन योरसेल्फ. नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जहां पे आपको सोए छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, यस ये भी बताता हूं आपको, सिम्टम्स यू नीड टू लुक आउट टू लीव सोए एंड देन री इंट्रोड्यूस इट लेटर इन द स्टेज एंड नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड. नंबर वन, लेथार्जी. बंदा अगर लेथार्जिक फील कर रहा है, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स रह चुके हैं जो फोडमैप इंटॉलरेंट हैं एंड ओलिगियोसैकेराइड्स को वो लाइक फोडमैप इज अ टाइप ऑफ ओलिगियोसैकेराइड, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन शॉर्ट, मैं आपको ये बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे. तो अगर वो किसी भी वजह से सोए को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो उनका गट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएगा, ड्यू टू विच दे कैन फील लेथार्जिक, एंड व्हेन आई एलिमिनेटेड सोए फ्रॉम देयर डाइट दे स्टॉप फीलिंग लेथार्जिक. बट क्या मैंने सीधा उनकी डाइट से सोए हटा दी और उनकी लेथार्जी ठीक हो गई, या फिर मैंने दिमाग लगाया एंड आई चेक्ड other parameters as well. I check their hydration, I check their wear and tear ki bhai unka actually mein physical stress zyada overtraining to nahi ho rahi hai, unki sleep quality kaisi hai. Several other parameters check karne ke baad, when everything was on point after 3 to 4 weeks, I tried this step. Now let's just eliminate your allergens, soy, क्योंकि soy एक possible like 90% लोगों को soy digest नहीं हो पाता, this is why soy is entitled as bad. But वो 10% लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको soy digest होते हैं, जैसे कि मैं 70-80 ग्राम सोए खाता हूं, मुझे आराम से डाइजेस्ट होता है. अगर मैं 100-150 ग्राम सोए खा लूं तो मुझे गैस हो जाती है. सो एवरीथिंग बॉयज डाउन टू व्हाट योर डोसेज, योर टॉलरेंस, एंड इफ लेट्स से आप सोए को डाइजेस्ट नहीं भी कर सकते, यू कैन लिटरली स्ट्रेंथन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज कमिंग फ्रॉम एन IBS पेशेंट. IBS इज अ बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके बारे में बहुत लिमिटेड लिटरेचर और लिमिटेड एविडेंसेस हैं, और डॉक्टर्स भी इंडिया में बहुत कम हैं ऐसे जो आपकी एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम विल प्रिस्क्राइब यू जस्ट स्टेरॉइड्स टू ट्रीट योर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, एंड आई ट्रीटेड इट ऑन माई ओन. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई ट्रीटेड इट ऑन माई ओन आफ्टर कंसल्टिंग विद 10 to 20 डिफरेंट डॉक्टर्स. सेम गोज विद डायबिटीज. आपको कितनी आइसक्रीम, कितना शहद, कितनी चीनी खानी है. My mom is a diabetic. My grandmother is a type 1 diabetic, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं. But they know their safe range. Everyone is a doctor in my family. Like my grandmother is a doctor, मेरी बुआ डॉक्टर है, मेरी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड मेरे मॉम डैड दिल्ली NCR के सारे डॉक्टर्स को जानते हैं. सो आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा एंड आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ लिटरेचर, आई जंप्ड ऑन टू दिस कंक्लूजन कि भाई डोसेज इज everything, whether it comes to water, ये जो पानी पी रहा हूँ ना मैं यहाँ पे आपके सामने, अगर इसको भी मैं 20 लीटर एक बारी में चेक कर दूँ ना, तो मैं हाइपरन्यूट्रोमिया से हॉस्पिटल पहुँच सकता हूँ, मेरी मौत भी हो सकती है. किसी का मर्डर करना हो ना, उसके ऊपर उड़ेल दो मयूर जग, उसको इतना पानी पिलाओ कि वो मर जाए. सो whoever tells you कि dosage का concept is a stupid concept, just know that person is really very stupid. Same is the case with massage. क्या आपको क्या लगता है कि मसाज हर केस में जरूरी होती है, आपकी मसल स्टिफ होगी, आपको मसाज की जरूरत है? इट इज नॉट इवन नीडेड इन मोस्ट केसेस, पर अगर आप थोड़ी सी मसाज करा लो, इट हेल्प्स यू विद योर सोरनेस, और वो एक्सीड हो जाए अगर मॉडरेट डोसेज से, जितने देर आपको मसाज करना था उस एरिया पे, यू कैन इवन गेट इंजर्ड फ्रॉम मसाज. एंड सेम इज विद साइटोकाइन रिलीज. साइटोकाइन रिलीज क्या होता है? जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा इन्फ्लेमेशन सिग्नल होता है मसल के अंदर, जिसको स्टिमुलस मिलता है मसल को, एंड वहां से जब साइटोकाइन रिलीज होते हैं उसके बाद ग्रोथ होती है. So that cytokine release is a sign of inflammation that your muscle experiences, जिसके बाद growth होती है. अब उसको excessive cytokine release मिलेगा, signal impedance हो जाएगी, जो कि मैं अपनी यहाँ पे link डाल दूंगा video में, बहुत बता चुका हूँ, जाके देख लेना. So अब एक case study लेते हैं एक ऐसे बंदे की जिसकी dire urgency है to lose weight or fat or whatever, and he's intolerant to legumes, दालें, राजमा, milk products, पनीर, दाल, दही, हर किसी चीज़ को intolerant है. I'm just taking a case study over here after dealing with over 5,000 clients. That's a lot of human data. अपने आप में एक रिसर्च पेपर जितना डेटा है ये, 5,000 लोगों से डील कर चुका हूं मैं. तो यहां पर एक केस स्टडी लेते हैं जिसकी डायर अर्जेंसी है टू लूज फैट, और वो हर किसी चीज को इंटॉलरेंट है बट सोए, और वो सोए आराम से लाइक 150-200 ग्राम सोए कंज्यूम कर सकता है, एंड साथ में वो थोड़ा बहुत लाइक आमंड मिल्क एंड ऑल, लाइक ही वांट्स टू गो द वीगन वे, एंड ही डजंट वांट टू लाइक, यहाँ पे ये ले लेते हैं कि वो इंटॉलरेंट नहीं है मिल्क प्रोडक्ट्स से, उसको वीगन जाना है, उसको नहीं करने भाई मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड भी कंज्यूम नहीं करना, उसको करना ही कंज्यूम सोए है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर सकता है फॉर प्रोटीन सोर्स. क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, उसको लेथार्जी होगी ना, उसको कोई और मिनरल और विटामिंस की एब्जॉर्प्शन हिंडर होगी, या उसको कोई एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट मिलेगा, ना ही उसको कोई
थायराइड हो जाएगा बिकॉज वो प्रीडिस्पोज नहीं होगा थायराइड को, और ना ही उसको कोई डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस होगा क्योंकि वो फाइबर को भी इंटॉलरेंट नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर मैं उसको वे प्रोटीन दूंगा तो उसको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। अब आप यहां पे ये कहोगे कि भाई हाइड्रोलाइज वे ले दो उसको, लैक्टोज हटा दो उसमें से, लैक्टोज फ्री वे हो गया। भाई ही इज इंटॉलरेंट टू सुक्रोज ऑल्सो, आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी वो इंटॉलरेंट है, उसको उससे भी गैस हो जाती है। अब क्या करोगे? यू विल टेल दैट पर्सन टू जस्ट बज ऑफ, उसको बोलोगे भूल जा अपने गोल्स, भाड़ में जा, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर यू विल बिल्ड अ प्लान अराउंड हिज नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज गोल्स अकॉर्डिंग टू हिज इंटॉलरेंसीज एंड यू विल टेलर अ प्लान दैट विल वर्क टुवर्ड्स हिज गोल्स। दैट्स वॉट अ गुड कोच डज। अ बैड कोच, वॉट डज अ बैड कोच डू? He will always tell you कि भाई ये बुरा है, वो बुरा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। A good coach will always have solutions. Think of it like parent-child relationship. जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे क्लाइंट्स, जितनों को भी मैं कोच कर चुका हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, जिससे भी जाके बात करनी है कर लो, बहरूपिया बन के अगर आना है ना मेरी टीम में, आके सर्विस मेरी टेस्ट भी कर लो। आई ट्रीट माई क्लाइंट्स लाइक देयर माई चिल्ड्रन। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल को मेरे बच्चे पैदा होंगे तो क्या मैं उनको सेम एडवाइस दूंगा? क्या मैं, मुझे टेंशन तो नहीं होगी जिस जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि इसके लिए काम करेगी, इसको हार्म ना कर दे? आई थिंक लाइक दैट। एंड मेरी मेंटालिटी क्या है? आई विल नेवर एवर इम्पोज माई आइडियोलॉजीज ऑन माई चाइल्ड और माई चिल्ड्रन। पता नहीं ना, एक होंगे, दो होंगे, दस होंगे, तो आई विल नेवर एवर डू दैट। इंस्टेड मैं अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दूंगा कि भाई ये चीज है, ये सिनेरियो है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, सो दैट इवन इफ आई एम नॉट इन देयर लाइफ दे कैन मेक द डिसीजन ऑन देयर ओन, और वो खुद चॉइस बना सकते हैं और खुद डिसीजन लेके आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड फॉर दैट नंबर वन प्रिंसिपल शुड बी कि मैं अपनी डॉगमेटिक मेंटालिटी के स्विच को ऑफ कर दूं और मैं ये बोलना बंद कर दूं ये बुरा है, वो अच्छा है। व्हाई? आई डोंट नो। क्यों मत पूछा करो, बस ये बुरा है, भाड़ में जाओ, मुझसे पूछो मत, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लूजर हो। इट्स टाइम वी ब्रिंग आउट अ रेवोल्यूशन इन फिटनेस इंडस्ट्री। कब तक ये प्रचलन परंपरा चलती रहेगी गुरुजीज की कि जो मैंने बोल दिया वो सही है और आओ मुझे हरा के दिखाओ? नहीं, वी आर हियर टू हेल्प एंड वी नीड टू हेल्प पीपल। एंड इफ वी कांट हेल्प पीपल वी शुड जस्ट नो कि हम लंबी रेस के घोड़े नहीं है भाई। शॉर्ट टर्म में तुम बहुत चौड़े हो जाओगे, आगे तुम नहीं जाने वाले, लिख के ले लो, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यू अट्रैक्ट वॉट यू थिंक। इफ यू आर नेगेटिव यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल। तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा भी तो वो नेगेटिव एनवायरमेंट में करेगा। और अगर तुम भाई राक्षस प्रवृत्ति के बंदे हो, इफ दैट्स अ वर्ड मेरी दादी प्रोनाउंस करती है, ऐसे मैं भूल गया था, तो भाई तुम्हें फिर फील आएगा उसके अंदर कि भाई मैं रावण हूँ, हा हा हा, ये वो। सो लेट्स जस्ट नॉट डिविएट फ्रॉम द पॉइंट। अगर आपको लेथार्जी फील होती है, ट्राई वर्किंग ऑन अदर पैरामीटर्स। अगर वो काम नहीं करते, ट्राई एलिमिनेटिंग सोय एंड देन वॉच योर सेल्फ फॉर 2 to 3 weeks विदाउट सोय, और फिर से इंट्रोड्यूस करके देखो एंड देन जंप ऑन टू अ कंक्लूजन कि भाई सोय की वजह से मुझे लेथार्जी हो रही थी। नंबर टू, एस्ट्राडायोल कॉन्टेंट। एस्ट्राडायोल इज अ फीमेल हार्मोन जो कि प्रोक्लेम करते हैं बहुत सारे लोग कि सोय खाने से बढ़ता है और मैन बूब्स आ जाते हैं। गेट अ ब्लड टेस्ट डन। आई गेट माई ब्लड टेस्ट डन एवरी 3 months। ठीक है, पहले नहीं कराता था मैं, पहले साल साल में एक बार कराता था, अब मैं एवरी 3 months कराना शुरू हो चुका हूँ। 5100 रुपीज़ का या 5500 रुपीज़ का या हद मार के 6000 रुपये का फुल बॉडी टेस्ट हो जाता है एवरी 3 months। दैट्स मेयरली 2000 रुपीज़ पर मंथ। इतना अगर आप अपनी बॉडी को समझने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसलिए ब्लड टेस्ट करवाओ, देखो तुम्हारा एस्ट्राडायोल कंटेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या मेंटेन्ड है। यू विल हैव योर आंसर्स। व्हाई डू यू प्रेफर बिलीविंग समवन एल्स रादर देन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स? अगर तुम ब्लड टेस्ट कराओगे तुम्हें पता चल ही जाएगा तुम्हारी बॉडी में क्या चीज कैसे काम कर रही है। देन अगेन, इफ यू आर अ थायराइड पेशेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सोय छोड़ने की जरूरत है। यू नीड टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन। अगर आप क्लिनिकल केस हो, एवरी मंथ कराओ ब्लड टेस्ट। अगर आप नॉर्मल केस हो, एवरी 3 months कराओ एंड देन सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। हाँ, तुम्हारा डॉक्टर अगर कह रहा है तो अलग बात है, पर अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज बुरी है, वो चीज बुरी है, यू शुड नॉट बिलीव अ हेल्थ प्रोफेशनल। नीदर शुड यू बिलीव मी, बिकॉज आई एम अ हेल्थ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरे मेडिकल पैनल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो अगर मेरे पास कोई क्लिनिकल केस आता है, फॉर एग्जांपल इफ आई डील विद डायबिटिक्स, इफ आई डील विद क्लाइंट्स हु हैव थायराइड, आई हैव अ मेडिकल पैनल जो उनका प्लान अप्रूव करते हैं, या फिर जो मैं अगर उसके अंदर कोई गलती कर दूं तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा डेटा मिलता है कि भाई इस चीज को हटाओ, बिकॉज दिस माइट नॉट बी गुड फॉर दैट पर्सन। सो दैट इज अ डॉक्टर्स जॉब। फॉर दैट यू नीड टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन। जब तक आपके पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होंगी, डॉक्टर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्टर भगवान नहीं है कि आपका आंखों से एक्सरे करके बता दे कि आपको ये चीज करनी चाहिए। सो एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। हर किसी का गट माइक्रोबायोम अलग होता है डिजाइन। हाँ, इसी के साथ एक और एग्जांपल याद आया। एक स्टडी हुई थी इन्फेंट्स पे, उनको सोय फीड कराया गया था एंड दे स्टार्टेड फीलिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और उनको हार्मोनल इंबैलेंसेस होने लग गए। दैट्स बिकॉज उनका गट माइक्रोबायोम अभी डिजाइन ही नहीं हुआ होता। दे हैव अ वेरी वीक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर।
अगर आप फाइबर को इंटॉलरेंट हो तो आपको फॉर एग्जांपल राजमा भी अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होते ड्यू टू दिस फाइबर इंटॉलरेंसी, आपको गोभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी, आपको सोय भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि राजमा गोभी और सोय बुरे हैं या फिर आप फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? पॉइंट समझने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोय चंक से ब्लोटिंग हो रही है और आपने सोय चंक हटा दिए सोचकर कि सोय चंक से ब्लोटिंग हो रही थी एंड यू रिप्लेस इट विद राजमा और सम अदर सोर्स विच विल गिव यू सिमिलर कैलोरीज और आपको उससे भी गैस होने लग गई, तो आपको क्या लग रहा है कि सोय बुरा था या फाइबर बुरा था? यू नीड टू फर्स्ट नो कि आप एक्चुअली में किससे एलर्जिक हो, अपनी बॉडी को समझो, लाइक गिव इट सम टाइम एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू अ कंक्लूजन, दिस इज व्हाट आई मीन। और भाई अगर लिटरेचर पढ़ने बैठोगे ना तो चिकन के अगेंस्ट भी डेटा है, एग्स के अगेंस्ट भी डेटा है, वीगन डाइट के अगेंस्ट भी डेटा है, कीटो के अगेंस्ट भी डेटा है, हर चीज के फेवर में और अगेंस्ट डेटा है कि सोय वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू इफ योर प्रोटीन इनटेक इज बीइंग कंप्लीटेड बाय दैट। प्रोटीन इनटेक बहुत सारे केसेस में हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंजर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू बिल्ड मसल, फॉर एग्जाम्पल वी आर ओबीस एंड अ क्लिनिकल केस ऑफ ओबेसिटी, हु कैन डाई फ्रॉम ओबेसिटी, एंड पॉसिबली सोय कैन प्रोबेबली हेल्प सेव द लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, कैन नॉट हैव artificial sweetener intolerant and even legumes intolerant, oligosaccharide and fiber intolerant, but can digest soy. So every individual is different. Also guys, vegetarian foods ko solely protein sources ki tarah dekhna hi galat hai, like nazariya hi galat hai, aisa dekhna hi nahi chahiye ki bhai ye protein source hai, ye carb source hai, ye fat source hai when it comes to vegetarian sources, kyunki lean protein source find karna vegetarian sources mein bahut mushkil hai. So you should always program a diet. There's always a bad diet and a good diet and no bad food or a good food. So you should not find high protein food items, top 10 high protein food items for vegetarian, ye sabse baseless content hai. You should find top 10 high protein diets, top 10 high protein diet structures, vegetarian diet structures, kyunki some oligosaccharides, some milk products, some fiber, some FODMAP, some phytates, some lectins, some oxalates, to sum karke na thoda thoda karke you should have a wide variety, you should have a colorful diet. Even if you are a non vegetarian you should have a wide variety of colors so that aapka digestive system weak na pad jaye aur wo bhool hi na jaye kisi cheez ko digest karna, aur agar aap kisi cheez ko excess mein kha lo, even if you have chicken in excess you will face deficiencies, your digestive system can literally go weak. So isliye have a wide variety is the only solution. What are the takeaways from this video today? Have a wide variety, listen to your body, stay away from the allergens, get your blood test done every now and then, and let your blood test decide what is bad and what is good for you. Neither your doctor nor your health professional nor yourself, let the data decide. Ab aapke samne main ek narrative khol raha hu jo ki 2020 September mein W पेट्रोस्की ने पोस्ट किया था, जिसका पर्पस ये था कि एक्चुअली में फाइंड आउट करना कि जो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में आपको हार्म पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं या कितना पहुंचाते हैं या क्या है। सो लेट्स क्विकली लुक एट द फर्स्ट एंटी न्यूट्रिएंट व्हिच इज लेक्टिन, जो कि प्राइमरीली सोय में भी होता है, लेग्यूम्स में भी होता है, और इसके कंक्लूजन को अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने तो पूरी स्टडी पढ़ी थी पर मैं यहां पे आपको पूरी स्टडी पढ़ाने नहीं आया, बिकॉज इफ यू वांट टू रीड द स्टडी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, खुद रीड करना। इसके कंक्लूजन में आप जरा देखो, क्लियरली रिटन दैट रिसर्च डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट लेक्टिन रिच फूड्स इफ नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। नाउ व्हेन वी लुक एट अनदर एंटी न्यूट्रिएंट व्हिच इज oxalate, so it is clearly written over here that oxalate containing foods possess an array of protective beneficial compounds which may outweigh any possible negative effects of oxalate. Plus another point to be noted over here is the intestinal health may play a larger role. So your health, your digestive strength, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, भाषण दे रहा था, that is the number one thing. You should listen to your digestive tract. What is actually the strength and the weakness of your digestion and your gut microbiome? Plus यहाँ पे goitrogens भी हैं, बहुत सारे anti-nutrients हैं, but जो main चीज, जो phytates के बारे में बहुत शोर मचा हुआ है, soybean में होते हैं phytates, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ data. On one hand, phytate may decrease the bioavailability of essential minerals, while on the other acts as a potential antioxidant. Antioxidant क्या होते हैं? जो आपकी body का stress level नीचे लाते हैं, जो आपको visceral fat कम करने में भी help करता है. So when you get rid of free radicals, that is known as the antioxidant effect. उसके लिए आप दवाइयां भी खाते हो, L-glutathione, सुनिए ना जो बताई है मैंने videos में. Phytates give you that antioxidant effect, जो आपको हल्दी भी देती है और जो आपको बहुत सारे legumes और बहुत सारे fruits and vegetables भी देते हैं. Now phytates should not impair mineral status when included as a part of diverse and balanced diet. मतलब कि आपकी variety होनी चाहिए भाई,
सिर्फ एक सोर्स पर रिलाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे वो चिकन और अंडे भी क्यों ना हो, चाहे वो वे प्रोटीन भी क्यों ना हो, 10 स्कूप पी लो वे प्रोटीन के, फट जाएगी अंदर। तो इसीलिए जब आप डेटा पढ़ते हो तो आपको हमेशा अलग डेटा मिलेगा। अब 2020 में ये आर्टिकल छपा है, बहुत सारी रेफरेंसेस सेक्शन में देख लेना, कितनी सारी इसके अंदर स्टडीज ली है। क्या पता अगले साल कोई अगली स्टडी आ जाए जिसमें उन्होंने 57-60 पार्टिसिपेंट्स लिए हो और वो एक्चुअली में उनको सोय हार्म कर गया हो, इसका मतलब ये नहीं है दैट विल हार्म यू। इसलिए माय फाइनल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टेक ओवर हेयर वुड बी थोपो मत चीजें किसी और पे, ना ही अपने आप पे। टेक टाइम, लिसन टू योर बॉडी, एंड सोय इज सेफ, एब्सोल्युटली सेफ इफ यू कैन डाइजेस्ट इट। मिल्क इज सेफ, हनी इज सेफ, आइसक्रीम इज सेफ, सिगरेट्स आर सेफ इफ दे आर नॉट हार्मिंग यू। सो इफ यू आर अ चेन स्मोकर, यू कैन नॉट लिव विदाउट सिगरेट्स। एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनको मैंने 30 सिगरेट्स से 2 सिगरेट्स डे पे ले आया हूँ, एंड व्हेन दे गेट देयर ब्लड टेस्ट डन दे हैव इवन हेल्दियर मार्कर्स देन मी सम इन सम केसेस, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। सिगरेट इज नॉट हार्मिंग देम बिकॉज आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप क्वालिटी, आपका वेयर एंड टियर, आपकी बैलेंस डाइट, सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है, ना कि सिर्फ एक चीज। Please guys, please stop this dogmatic mentality, stop this phenomena of degrading and demonizing food items or any other item. जैसे आपके परिवार और खानदान में कुछ कुछ लोग हैं जिनसे आपको एक तरह से फायदा होता है, एक तरह से नुकसान होता है, they're toxic in something and they're good at something, वैसे ही आपकी प्लेट में भी खाना है। हर एक खाने का नुकसान भी है और फायदा भी है, बट देन यू नीड टू सी कि आपका ओवरऑल डाइट स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ ट्रेंड कर रहा है। पूरे जो आपके लिस्ट ऑफ फायदे आपको उस डाइट से मिल रहे हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, हो सकता है आपकी डाइट मुझे नुकसान करे, मेरी डाइट आपको नुकसान करे, तो आपको अपनी डाइट स्ट्रक्चर में देखने की कितने फायदे आपको मिल रहे हैं और कितने नुकसान मिल रहे हैं। वो रेशियो हमेशा ऐसे होना चाहिए कि आपके जो नुकसान है वो कम हो और फायदे ज्यादा हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल डाइट की क्वालिटी इनहेंस हो एंड आपका लाइफस्टाइल भी इनहेंस होगा, फिर आपकी हेल्थ भी इनहेंस होगी। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। सो टेंशन फ्री होके सोए खाओ, अगर डाइजेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मत खाओ। एंड विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एंड ऑफ दिस सोए कंट्रोवर्सी। अब जो भी आपको बोले ना अगली बारी से कि भाई सोए बुरा है, तो एक ये वीडियो और एक और वीडियो, सोए कांच लिखोगे ना, ये दो वीडियोस हैं आपके सामने आ जाएंगी, ये उसको भी दिखा देना, खुद भी देख लेना। इसके बाद भी अगर दिमाग में कुछ ऐसा हो ना कि मैं इस बंदे को डिबेट करूंगा, हराऊंगा, तो भाई I am not up for any debate. जो करना है करो, I am here to help people. मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन निकालता रहूंगा, अपनी भी बॉडी बनाऊंगा, दूसरों की भी बॉडी बनवाऊंगा, अपनी भी हेल्थ बनाऊंगा, दूसरों की भी बनवाऊंगा, और तुम सिर्फ मेरे पीछे भागते रहना। और जो सोचना है जिसको सोचो, हार गया मैं, जीत गया मैं, जो जीतना है जीतो, मेरी जीत तो भाई दूसरों की जीत में है, जो मुझ में इन्वेस्ट करते हैं अपना ट्रस्ट और पैसा। मैं इतना बिजी हूँ उनको ट्रांसफॉर्म करने में, जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और मैं जब रील फेंक के मारता हूँ तुम्हारे मुंह पे इंस्टाग्राम पे, वो मेरी असली जीत है। I am here to help. I am not here to argue or debate. So I'll see you in my next video, guys. I love you all. Like karke jana, subscribe karke jana if this video added value to your life. And share this with your friends. Aur awareness phailao, bhai. Bahut awareness ki zarurat hai. We're gonna be 100K super soon. Bol diya, kara dena, theek hai na? Bye, guys. I love you all.